बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन, सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स, आज हम लोग आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो बहुत ही मज़ेदार लजीज सी खीर हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सबसे पहले तो ये दूध है हमारे पास, तकरीबन ये है मेरे पास 4 किलो दूध है, उससे भी शायद ऊपर ही मिल गया था। 4 किलो दूध लगा लें, 4 किलो दूध है मेरे पास। और ये है मैंने चावल लिए थे 1 कप, उनको मैंने ये देखे अच्छे से पका लिया पहले से ही, पानी डाल के ना उसको अच्छे से मैंने पका लिया। ये गल चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये हमारे पास चीनी है तकरीबन 3 पाव के करीब या 1/2 किलो, जितना आप लोग को पसंद हो कि आपके घर में कितना ये खाया जाता है मीठा, उस हिसाब से डाल सकते हैं। और ये मेरे पास है खीर मिक्स, तकरीबन 3 चम्मच भरे हुए मैंने लिए है। और ये है खुशक मेवा जात, जो मैं इसके अंदर भी डालूंगी और बाद में ऊपर गार्निश के लिए भी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं खीर पकानी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये दूध मैं इसमें डालूंगी पीने में। दूध हमने डाल दिया पतीले में, आपने अगर आपके पास खोया तो आप और डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप ये बलाई वाला दूध डाल दिया करें, बलाई ना उतारा करें, तो इससे भी बहुत अच्छा काम चल जाता है। अब हम इसमें ये चावल शामिल कर देंगे। अब हमने इसको पकाते रहना तकरीबन 1.5 घंटा, 1.5 घंटा हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अभी आपने आंच जो है तेज ही रखनी है। जी तो व्यूअर्स, आपने ये इसी तरह से चम्मच चलाते रहना, इसमें एक तो ये चावल ना लगने पाए और दूसरा ये कि जब बाहर आता है तो फिर ये सारा बाहर आ जाएगा ये घी दूध जो है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना और साथ ही खड़े रहना, ज़्यादा दूर नहीं जाना। ये ना आप मोबाइल में लग जाएं, टीवी देखने बैठ जाएं, आपने साथ साथ इसको भी मद्देनजर रखना कि इसके साथ ही रहना। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ये खीर हमारी माशाल्लाह से ये देखिए गाढ़ी होना शुरू हो गया। तो अब हम लोग जो है खीर मिक्स भी इसमें शामिल कर लेंगे, जो हमने ली थी 3 टेबल स्पून मैंने लिए थे, नहीं 3 चम्मच लिए थे भरे हुए खाने वाले में, सॉरी। हम हिलाते रहना थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से इसमें हल हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें अब हम इसमें जो खुशक मेवा जात हमने लिए थे वो हम शामिल कर देंगे, बाकी हम गार्निश के लिए भी हमने रखे हैं वो भी हम डाल देंगे, गार्निश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं खीर हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें चीनी शामिल करके तो इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, उसके बाद हम ये चूल्हा बंद कर देंगे। चम्मच से अच्छी तरह से इसको हिला रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं खीर हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, हमने ये खीर को डिश आउट कर दिया, बहुत ही मज़ेदार और लजीज है। और अगर आप लोगों को ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।